5000 वर्ग फुट तक के आवासीय प्लाट के लिए भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है और वह भी महज एक सेकंड में ₹1 शुल्क के साथ। ऐसे हितग्राही जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वह सीधे निगम के पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की प्रविष्टि भी ऑनलाइन करनी होगी। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर समस्त दस्तावेज सही पाए जाने पर 14 दिवस के भीतर आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु नियम अनुसार राशि की गणना कर ऑनलाइन डिमांड नोट आवेदक को जारी किया जाएगा, जिसे वह दिए गए वेबसाइट पर सिटीजन पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकेंगे। भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख और उप अभियंता सिद्धार्थ साहू के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 888 आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रणाली के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के प्रारंभ होने से निगम दफ्तरों में अनावश्यक चक्कर काटने एवं भटकने से छुटकारा मिल रहा है। वहीं जहां भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के बाद पहले उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जोन आयुक्त एवं भवन अनुज्ञा अधिकारी से होकर प्रक्रिया गुजरती थी, वह प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और सीधे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहा है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इस योजना से पारदर्शिता भी बनी रहेगी, वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह और अधिक लाभदायक साबित होगा। नौकरी पेशा वर्गों के लिए भी यह योजना वरदान है, उन्हें अवकाश लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, शासन का योजना है और आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये ऑनलाइन प्रोसेस है। जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं, जिनको यदि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो उनको दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन जो वेबसाइट हमने जारी किया है, उस वेबसाइट के माध्यम से, आर्किटेक्ट के माध्यम से वो अपलोड करवा सकते हैं। जैसे ही अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट सही होगा, तो एक सेकेंड में उनको ₹1 में जो है भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो फील्ड इंस्पेक्शन वाली बात होगी वो सेकेंडरी होगी। जब तक जो है जो व्यक्ति है, जो नीडी व्यक्ति है, उसको भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मिल जाएगा। देखिए, दस्तावेज यदि गलत पाया जाता है तो निश्चित रूप से निश्चितिकरण तो होगा ही, और इसके अलावा जो बाकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन में जो है फील्ड इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें वस्तुस्थिति पता चल जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो राशि होती है वो वसूल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह योजना बेहद लाभकारी है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इस योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं योजना का लाभ अधिक से अधिक उठाने की अपील भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।